सो हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा रहा? दिन अच्छा गया, बुरा गया, बोरिंग था या बहुत एक्साइटिंग था, कुछ बहुत ही बुरा हुआ या कुछ बहुत अच्छा हुआ? दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सवाल जवाब हैं जो आप तब करते हैं जब आप अपने दिन के बारे में बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। एट द एंड ऑफ द डे, जब आपका दिन ख़त्म हो जाता है, आप घर वापस जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है, आपका दिन कैसा रहा? आज हम यही सीखेंगे कि अपने दिन के बारे में, अपने डे के बारे में जब आप बात करें तो आप क्या सेंटेंसेस यूज़ करें, कैसे बताएंगे कि आपका दिन कैसा था इंग्लिश में। मेरा नाम है खुशबू और आप मुझे देख रहे हैं हिंग कोच पर। हम यहाँ सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू और बहुत ही आसानी से। वेलकम बैक टू आवर वीडियो चैनल। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे बात करनी है अपने डे के बारे में, तो मेरे साथ ये वीडियो देखते रहें। सो दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक कॉन्वर्सेशन है, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। क्या है वो सवाल? हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा रहा? ये आप उनसे पूछते हैं जिनके दिन के बारे में आप जानना चाहते हैं। सो आप क्या कह रहे हैं? हाउ वॉज योर डे? अब इसके जवाब क्या क्या हो सकते हैं? अगर किसी का दिन ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था, यूजुअल था, रोज़ाना जैसे होता है वैसे था, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इट वॉज़ फाइन या फिर इट वॉज़ ओके। मतलब मेरा दिन ठीक ठाक था, अच्छा रहा, बुरा रहा ऐसा नहीं कह सकते, तो आप कहेंगे इट वॉज़ फाइन, इट वॉज़ ओके, मेरा दिन ठीक रहा। अब अगर आपके दिन में कुछ अच्छा हुआ है, कुछ एक्साइटिंग हुआ है, आपका दिन अच्छा गया है या फिर आपको ये दिन याद रहेगा, तो उसके लिए आप क्या जवाब देंगे? देखते हैं कुछ डिफरेंट आंसर्स जो तब आप देंगे जब आपका दिन बहुत अच्छा गया। सबसे पहला है, आई हैड द मोस्ट अमेजिंग डे। आई हैड द मोस्ट अमेजिंग डे, मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया। द मोस्ट अमेजिंग डे का मतलब आज का दिन बहुत अच्छा था, बेहतरीन था, तो आप क्या बोलेंगे? I had the most amazing day. एक और तरीका अपने अच्छे दिन को बारे में एक्सप्रेस करने के लिए वो ये है, It couldn't be better. It couldn't be better का मतलब है कि मेरा दिन इससे अच्छा नहीं हो सकता था, यानी आज इतना अच्छा दिन गया कि I doubt कि इससे अच्छा दिन कभी होगा, तो आप क्या बोल रहे हैं? It couldn't be better, यानी इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था, which means आपका दिन बहुत ही अच्छा रहा। एक और तरीका अपने अच्छे दिन के बारे में बोलने के लिए वो ये है, आई हैड द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई हैड द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। ये आप उस दिन के लिए बोलेंगे जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जो बहुत बहुत ही अमेजिंग हो और आप जिसका इंतज़ार बहुत टाइम से कर रहे थे, यानी कि कोई वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ अगर आपके साथ होती है, तो आप उस दिन को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे I had the best day of my life. So ये कुछ तरीके हैं जो आप how was your day का जवाब देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और तरीके सीखते हैं इसी सवाल के जवाब के लिए कि how was your day? Well दोस्तों, अगर आपका दिन अच्छा नहीं रहा, कुछ बुरा हुआ या फिर आप बहुत थक गए, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यानी जब आपसे कोई पूछे हाउ वॉज योर डे और आपका दिन अच्छा नहीं था, तो उसके लिए आप क्या सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, ये हम सीखते हैं। सबसे पहला है इसमें, आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड का मतलब है कि मैं बहुत बहुत थक गया हूँ, मैंने आज इतना काम किया या फिर आज बहुत भाग दौड़ हो गई और मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ दिन होते हैं ऐसे कि आप इतना काम करते हैं कि जब आप घर जाते हैं तो आपका दिल करता है बस सब कुछ छोड़ के सो जाओ, तो उस दिन को हम बोलते हैं कि आई एम एग्जॉस्टेड, मैंने इतनी थकान आज महसूस की कि अब मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। सो आप क्या यूज़ करेंगे? आई एम एग्जॉस्टेड। एक और तरीका जो आप बोल सकते हैं टायर्डनेस, यानी कि अपनी थकान को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में, जो कि एक बहुत बेटर तरीका है, वो क्या है? आई एम स्पेंट फ्रॉम द डे। स्पेंट फ्रॉम द डे का मीनिंग क्या है दोस्तों? ये एक स्लैंग वर्ड है, स्लैंग एक्सप्रेशन है। आई एम स्पेंट फ्रॉम द डे का मतलब होता है कि आज मैं बहुत ही थक गया हूँ, आज का दिन बहुत थकान भरा रहा। सो आप क्या यूज़ कर रहे हैं? आई एम स्पेंट फ्रॉम द डे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टुडे वॉज टू मच। आज का दिन बस बहुत टू मच था, यानी कि बहुत काम किया मैंने। आई एम स्पेंट, यानी कि मैं अब थक गई हूँ, थक गया हूँ।
टुडे वॉज टू मच, आई एम स्पेंट. तो स्पेंट वर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपकी थकान इतनी ज़्यादा है कि आपको आज बहुत ही एग्जॉस्टन फील हो रही है. सो ये एक तरीका है यूज़ करने के लिए, थकान बताने के लिए. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट है आई हैड अ लॉन्ग डे. आई हैड अ लॉन्ग डे का मतलब भी यही होता है कि आज का दिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहा, मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी चीज़ों के साथ डील किया, मेंटली फिजिकली मैं थक चुकी हूँ, थक गया हूँ. सो आप एक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, आप बोलेंगे आई हैड अ लॉन्ग डे. ये भी एक तरह से आपकी टायर्डनेस, आपकी थकान को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है. लास्ट इन दिस कैटेगरी इज़ आई हैड द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ. इसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी का आज बहुत बुरा दिन था, सबसे बुरा दिन, कुछ इतना बुरा हुआ मेरे साथ. आई हैड द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरी अभी तक की ज़िंदगी का ये बहुत बुरा दिन था. हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बता रहे हैं कि वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, बिकॉज वी नेवर नो कि आगे क्या हो, बट स्टिल ये एक एक्सप्रेशन है अपनी एक फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कि आपका दिन बहुत ही बुरा गया. आई होप आपको इन सब जवाबों का इस्तेमाल थोड़ा कम करना पड़े लाइफ में. सो इस तरह से आप नेगेटिव जवाब दे सकते हैं. किसके जवाब में? हाउ वॉज योर डे. आई होप आपको ये लेसन यूजफुल लगा हो, ये बेसिक कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आई हो. अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए जब भी हमारा नया लेसन अपलोड हो. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.